How are you? Fine. Have you completed your exercise 1.2? वो पूरी आपको अपनी मैथ्स की नोट में अच्छे से लिखनी है, ठीक है? सारे क्वेश्चन मैं यहाँ से जो भेज रही हूँ, जो बोर्ड पे समझा रही हूँ, वो सारे आपको अपनी नोटबुक में कॉपी करना है, ठीक है? Now today we will start a new topic, that is estimation. देखो ये नया टॉपिक है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. एस्टिमेशन मतलब राउंड ऑफ करना, कोई भी अमाउंट को राउंड ऑफ करना. जैसे हम कभी मार्केट में तुम लोग कुछ आजू बाजू के शॉप पे कुछ लेने गए, जैसे तुम लोगों ने 50 रुपीज़ लेके गए आप लोग, तो मानो 50 रुपीज़ लेके गए और आपने कितना खर्च किया, 47 रुपीज़ खर्च हुए, तो आप क्या बोलोगे कि अराउंड 50, कितने रुपीस आपने, अराउंड 50, आप उसको 40 बोलोगे कि 50 राउंड में बोलना है, तो आप 50 बोलोगे क्योंकि 47 इज नियर टू 50. तो इस तरह से राउंड ऑफ करना है, कोई भी अमाउंट को राउंड ऑफ करेंगे, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेशन. तो वही चीज़ हम आज सीखेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी राउंड ऑफ टू टेंस. देखो ये कैसे करेंगे, राउंड ऑफ टू टेंस अगर मैं आपको समझाऊं, तो इफ आई टेक 42, तो 42 को टेंस में राउंड ऑफ करना है. तो टेंस मतलब यूनिट एंड टेंस, 4. टेंस मतलब यहाँ पे टेंस की वैल्यू क्या है, 4, यूनिट एंड टेंस. तो 4 को देखेंगे, फिर देखेंगे कि 42 को 40 करना है या 50 करना है, ये चीज आपको देखनी है. तो 42 इज नियर टू 40 और 50 किसके पास में है, 42 40 के ज्यादा पास है या 50 के ज्यादा पास है, तो वो 40 के ज्यादा पास है. तो 42 को राउंड ऑफ करेंगे, आंसर आएगा 40. इफ यू टेक 48, तो वहां पे भी आपको देखना है कि 40 करेंगे या 50 करेंगे. तो 48 इज नियर टू 50, 48 जो है वो 50 के ज्यादा पास में आ गया, तो ये 48 राउंड ऑफ हो गया 50 में. अगर मेरे पास है 25, अब देखने का कि 2 नंबर लेने का, तो 20 करूंगी या 30 करूंगी. तो 25 इज बिटवीन 20 एंड 30, तो ये तो कंफ्यूजन हो गया, 20 के पास जाओगे, पास में है या 30 के पास में. तो उसका एक सिंपल सा रूल है कि पीछे नहीं आना है, आगे वाले बड़े नंबर को लेना है, मतलब 25 राउंड ऑफ हो जाएगा 30, याद रहेगा, आगे जाना है, पीछे नहीं आना है. सो एंड अगर मैं दूसरा एक नंबर लेती हूँ 253, अब यहाँ पे मुझे करना है राउंड ऑफ टू टेंस, और यहाँ पे तो 3 डिजिट है, पर हम टेंस वाली डिजिट को ही देखेंगे, मतलब ये 2 डिजिट को ही मैं देखूंगी, फिर मैं सोचूंगी कि ये 50 होगा कि 60 होगा, बराबर 53 है ना लास्ट में, तो 50 होगा कि 60 होगा, तो वो 50 हो जाएगा. और 200 तो लिख ही देना है, मतलब 250 उसका आंसर हो जाएगा. इस तरह से टेंस में राउंड ऑफ किया जाता है. सेकंड इज राउंड ऑफ टू हंड्रेड्स, ये टेंस वाला सिखाया, उस तरह से हंड्रेड्स वाला भी होता है और थाउजेंड वाला भी सिखाते हैं बाद में. तो दिस इज राउंड ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स. अब यहाँ पे हंड्रेड में राउंड ऑफ करना है, मतलब 100 की वैल्यू देखेंगे, मानो 244 नंबर है आपके पास, अब 100 की वैल्यू 1 stands 100, 2 है प्लेस वैल्यू, तो 2 को 200 कर दूं या 300 कर दूं, इस तरह से बोल लेगा, सोच लेगा मन में. अब 244 200 के पास है, सही है ना, अगर वो 250 या 250 से ज्यादा होता तो वो 300 के पास हो जाता, तो इसका आंसर आएगा 200. क्लियर? देन इफ आई टेक 284,
तो फिर से ये 100 की प्लेस वैल्यू देखो 2, तो 200 होगा कि 300 होगा, तो 284 300 के पास में आ गया। सोच सकते हो ना, 250 से भी वो ज्यादा आगे आगे चला गया, इसलिए वो 300 के पास आ गया। तो 285 विल बी राउंड ऑफ एस 300। अब यहाँ पे बड़ा नंबर लेती हूँ, हमारी जो पॉइंट है वो है हियर इज 100, तो 100 की प्लेस वैल्यू तो यहाँ 3 है, तो मैं 5 को नहीं देखूंगी, मैं ये 390 को देखूंगी और सोचूंगी कि वो 300 होगा कि 400 होगा। अब 390 400 हो जाएगा, वो 400 के पास चला गया है, और आगे 5 तो है, 5400 इसका राउंड ऑफ फिगर आ जाएगी हंड्रेड्स में, बराबर। तो ये है आपका राउंड ऑफ टू 100। नाउ थाउजेंड्स में करो, मैं नियरेस्ट थाउजेंड्स इसी तरह से थाउजेंड्स में होगा, वहां पे फोर नंबर का यूज करेंगे। चलो हमारे पास 4325 की अमाउंट है, अब इसको नियरेस्ट थाउजेंड में मुझे राउंड ऑफ करना है, तो थाउजेंड की प्लेस वैल्यू कौन सी, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, फोर जो है वो थाउजेंड्स की प्लेस वैल्यू है। तो सोचो फोर है तो मैं 4000 बनाऊ इसको या 5000 बनाऊ, क्या बनाऊंगी, तो उसके बाद वाले नंबर देखूंगी, ये तो 325 है तो ये 4000 के पास में है। अगर 4500 या उससे ज्यादा नंबर होता मेरे पास तो उसका राउंड ऑफ 5000 हो जाता। इस तरह से बड़ी अमाउंट और थाउजेंड में देखना है, तो फिर से वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टू को देखूंगी मैं, और वन को मैं ऐसे ही लिख दूंगी, और 2000 के लिए मैं देखूंगी कि ये 2000 होगा या 3000 होगा। तो 2000 होगा या 3000, तो उसके बाद 504 है, देखो 500 से ज्यादा हो गया मतलब 3000 होगा, और आगे 1 तो लिखना ही है इधर भी, तो इसकी राउंड ऑफ अमाउंट हो जाएगी 13000, मतलब 12504 को मैं राउंड ऑफ करूंगी एज 13000। तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। अब उसमें क्वेश्चन में दिया है जनरल रूल, जनरल रूल क्या होता है कि बताया नहीं होता है कि आप टेंस में करो राउंड ऑफ या हंड्रेड्स में करो या थाउजेंड में, ऐसा कुछ स्पेशल बताया नहीं होता है, अलग अलग अमाउंट होती है, और जनरल रूल से आपको एस्टिमेशन करना है, तो आपको क्या करना है उसकी हाइएस्ट वैल्यू देखनी है। अब फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 1, उसमें क्या बताया है, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल, देखो जनरल रूल का यूज करना है। अब उसका क्वेश्चन ए 730 प्लस 998, अब इसको मुझे राउंड ऑफ भी करना है, उसके बाद उसको ऐड भी करना है, और जनरल रूल में तो मैं एक एक नंबर लूंगी, 730 मैं इस तरह से लिखती हूँ, राउंड ऑफ 730 इज इक्वल टू, अब 730 को राउंड ऑफ करो, जनरल रूल है, जनरल रूल में कुछ बताया नहीं है कि टेंस या हंड्रेड, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू ले लो 7 की, और सोचो कि ये 700 होगा कि 800 होगा, 730 इज नियर टू 700, तो ये बन गया 700। देन राउंड ऑफ 998, अब 998 में भी हाईएस्ट ये वाला 9 है 100 की प्लेस वैल्यू पे, तो 900 रहेगा कि 1000 हो जाएगा, 900 के
बाद 1000, तो ये 1000 हो जाएगा। देखो 998 तो एकदम 1000 के पास पहुंच गया, मतलब ये हो गया 1000। अब करना क्या है, इसको एडिशन करना है, तो यहाँ पे प्लस, तो इसका आ जाएगा 1700। इसको ऐड करोगे तो 1700 इसका आंसर है। तो एस्टिमेशन करने के बाद एडिशन करना है, बराबर, इसको ऐड नहीं करना है, इसका एस्टिमेशन मतलब राउंड ऑफ फिगर फाइंड करने के बाद उसको ऐड करना है। इस तरह से आप अपनी नोटबुक में कर देना, ऐसे लिखना और फिर इसका आंसर यहाँ लिखना। देन सेकेंड, इसमें सब्ट्रैक्शन है 796, माइनस क्या किया है 314। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 का बी है। नाउ राउंड ऑफ, इस तरह से आप लिखोगे राउंड ऑफ 796 इज इक्वल टू, सोचो 700 होगा कि 800 होगा, 800 हो जाएगा क्योंकि 96 से बहुत पास आ गया 800 के, एंड राउंड ऑफ 314 वो क्या हो जाएगा, 300 होगा कि 400, वो 300 होगा। अब करना क्या है, माइनस, मतलब यहाँ पे 0, 0 और 500, तो आंसर आएगा 500। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर बी। नाउ थर्ड, 12906, देखो यहाँ पे अमाउंट बड़ी होगी, देख लेते हैं क्या करना है। प्लस 2888। अब यहाँ पे भले अमाउंट बढ़ी है, पर हमने 1000 तक ही सीखा है ना, 1000 तक ही उसको राउंड ऑफ करेंगे, मतलब 1000 की फेस वैल्यू ही लेंगे। तो राउंड ऑफ 12906 इज इक्वल टू, अब 1000 तक ही लेना है, आगे नहीं जाना, 1000 में है 2, तो सोचो 1 तो भले आगे रहा, तो ये 2000 होगा कि 3000, क्योंकि ये पीछे 906 है, मतलब ये 3000 हो जाएगा, तो आगे 1 रहेगा और ये 3000 हो जाएगा, मतलब 13000 हो गया राउंड ऑफ। एंड नेक्स्ट नंबर इज 2888, अब ये 2000 होगा कि 3000, अगेन इट विल बी 3000, क्योंकि पीछे 888 है, तो 500 से बड़ा नंबर है तो आगे चला जाएगा। अब करना क्या था, एडिशन करना है, तो 0, 0, 0, 6 and 1, सो द आंसर इज 16000, इसका राउंड ऑफ का 16000 हो गया। यहाँ पे आंसर नहीं लिखना है तुम लोगों को, जो आगे लिखा वो भी वहाँ पे नहीं लिखना है, क्योंकि ये तो गलत लिखेगा, इसका एडिशन वो नहीं हो रहा है, इसका एडिशन एक्चुअल में अलग हो रहा है, तो भले आप इधर ही रखना, यहाँ पे मत लिखना, ए बी में लिखना ना, ओके वहाँ पे मत लिखना, सिर्फ यहाँ पे रखना आंसर। फिर डी, 28,292 माइनस 21,496, ओके। नाउ 1000 की प्लेस वैल्यू 8 है, तो देखो 28,000 होगा कि 29,000 होगा, तो ये होगा 28,000। आप इसी तरह से लिखोगे राउंड ऑफ 28,292 इज इक्वल टू 29,000 एंड नो सॉरी 29 नहीं होगा, ये
292 है तो 500 से छोटा है इसलिए ये 28 रहेगा, 28,000 होगा एंड राउंड ऑफ 21,496 इज इक्वल टू, अब ये 21,000 रहेगा या 22,000 हो जाएगा तो ये 21,000 रहेगा, बराबर। पहले वाले टू को ना देखो तो थाउजेंड की प्लेस वैल्यू में आप ऐसे बोलोगे कि 1,000 होगा कि 2,000, तो ये 1,000 होगा क्योंकि 496 पास में है। अब इसका करना है माइनस 0,007 बस 7,000, सो दिस इज योर डी पार्ट। ओके दिस इज ओवर, क्वेश्चन नंबर टू इज, क्वेश्चन नंबर वन इज ओवर, फॉर क्वेश्चन नंबर टू एंड थ्री आई विल सेंड वन अदर वीडियो एंड यू विल कॉपी डाउन इन योर नोटबुक प्रॉपरली। ओके।